हाय गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 8 Pro के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं जिसके अगर माने तो यहाँ पे Redmi काम कर रहा है एक ऐसे स्मार्टफोन के ऊपर जहाँ पे आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रियल में जिस तरह का कॉम्पिटिशन दे रहा है Redmi को, और उसके बाद सैमसंग अपने एम सीरीज के स्मार्टफोन के साथ, और अब वीवो भी मिड रेंज सेगमेंट में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जो है वीवो Z1 Pro, तो ये सब देख के तो यही लगता है कि Xiaomi यहाँ पे शांत बैठने वाला नहीं है। और पिछले साल की तरह जहाँ पे आपको एक ही साल के अंदर Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro देखने को मिला था, उसी तरह ये साल भी आपको Redmi Note 7 Pro के बाद Redmi Note 8 Pro भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Redmi Note 8 Pro में आपको किस तरह का स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, किस प्राइस में और कब तक ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो इसी बात पे दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप इस तरह के अपडेट्स बिल्कुल भी मिस ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको डिजाइन बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपने Redmi Note 7 Pro में देखा है। तो यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा, और ओवरऑल यहाँ पे फोन काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है इसके प्राइस के कंपैरिजन में। तो सामने की तरफ दिया जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले 6.3 इंच का, जहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन होगी फुल एच डी प्लस, और यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी नॉच वाला डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है, ना ही यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिलने वाला है, बल्कि यहाँ पे आपको कंप्लीटली एक फुल व्यू डिस्प्ले मिल सकता है जहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी मिलने वाला है जहां पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ दिया जाएगा ट्रिपल कैमरा, जिसमें जो पहला सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो Redmi Note 8 Pro आ सकता है Qualcomm के प्रोसेसर के साथ जो है Snapdragon 712। अगर आप Realme 3 Pro में देखोगे तो वहां पे Snapdragon 710 दिया गया है, तो यहां पे आपको Snapdragon 712 मिल सकता है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 2.3 GHz और इसे बनाया गया 10 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के बेस पर, और गेमिंग के यहां पे GPU दिया जाएगा 616। दोस्तों फोन का पावर करेगा 4000 mAh की बैटरी, जहां पे आपको क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और डेटा सिंगल चार्जिंग के लिए यहां पे आपको टाइप सी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों OS की बात करें तो यहां पे आपको MIUI 10 देखने को मिलेगा जो चलेगा Android 9 के ऊपर, और रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहां पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल सकता है, 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज, 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज और 6GB की रैम 128GB स्टोरेज, और हमेशा की तरह इसकी प्राइस 15000 रुपए के अंदर ही होने वाली है, यानी कि आप कह सकते हैं इसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 14000 रुपए यहां पे हो सकती है। और रही बात दोस्तों लॉन्च की, तो ये आपको फेस्टिवल सीजन में देखने को मिल सकता है जहां पे पहले आएगा दशहरा और उसके बाद दिवाली, तो आप कह सकते हैं करीब अगस्त से सितंबर के महीने में Redmi Note 8 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, जब यहां पे Realme भी अपने अभी Realme X और इसके अलावा Realme 4 Pro को भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है उसी वक्त में यहां पे Xiaomi भी Redmi Note 8 Pro को लॉन्च कर दे ताकि एक अच्छा कॉम्पिटिशन दोनों ब्रांड के बीच में बना रहे। तो ऐसे में दोस्तों अगर इसी स्पेसिफिकेशन के साथ और इसी प्राइस के साथ अगर इंडिया में लॉन्च होता है, तो ऐसे में दोस्तों क्या आप इस फोन को लेना चाहोगे, या फिर आपको लगता है कि यहां पे कुछ और भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता था इसके स्पेसिफिकेशन में, तो ये सब कुछ आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसका कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।